सो यू व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड नंबर 14 में। तो वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम यहाँ से कुछ कैरेट लेते हैं और ऊपर भी इंगट पड़े नगेट, इनको इंगट बोलते हैं नगेट बोलते हैं, मुझे अब पता चला भाई, मुझे पता था पर अभी याद है मुझे। चलो यहाँ से कुछ कैरेट भी ले लेते भी और चलते हैं नीचे। और गाइस अभी हमको प्रीमियम फूड खाने को मिलेगा गोल्डन कैरेट, और मैं पर इसे खा भी रहा हूँ क्योंकि भाई जब से अपना गोल्ड फार्म आना ना भाई, तब से अपने पास गोल्ड की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और कैरेट की कमी तो कैसे हो सकती है भाई, थोड़ा बोन मिल मारा और कैरेट मिल जाते हैं ऑटोमेटिक, फिर तो इसमें गोल्ड रख देते भी। और ये गाइस जी अपने पास आप ध्यान रखो, मेरे पास 5 इंगट है और कुछ ही देर में मैं स्टैक लाने वाला हूँ, वो भी ब्लॉक के स्टैक, तो आपको पता लग गया होगा मैं कहाँ से लाने वाला था। और मुझे मेरे जो आर्मर है ना गाइस, वो आर्मर मतलब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था और तब भाई मैं सिर्फ मतलब एक बार रात हुई और क्रीपर ब्लास्ट हो गया साइड में, तो मेरी इतनी ज़्यादा हेल्थ चल गई, ऑलमोस्ट मैं मर गया था वहाँ पर। पर भाई अभी मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि अभी भाई हमें क्रीपर से मार सकते हैं, तो भाई सोचो हमको कोई भी बंदा मार सकता है, मतलब कोई भी मॉब मार सकते हैं हमको, चाहे वो ज़ॉम्बी स्केलेटन या फिर स्पाइडर पर कोई भी हो भाई, हमको इजीली मार सकता है। क्रीपर तो भाई वो है ही भाई, उसका मतलब अगर उसके मतलब भाई मैं क्रीपर का बहुत ज़्यादा दूर था, 3-4 ब्लॉक दूर था, पर फिर भी मेरी हेल्थ बहुत सारे चली गई थी, पता नहीं कैसे चली गई। और चलो गाइस अभी हमको कुछ काम जो वो काम आपको मैं अभी बताता हूँ, हमको सिर्फ अभी अपना जो आर्मर है उसको मतलब मैक्स करना है, जितना मैक्स हो सके उतना मैक्स करना है, तो उससे पहले हमको यहाँ से कुछ वुड कट करने जाना पड़ेगा। चलो हम मतलब मैं वुड इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि हमको अभी एक और एक मतलब सेपरेट आर्मर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताओ गाइस मतलब अगर हम एक आर्मर से इंचांट करेंगे तो हम नहीं कर सकते इंचांट, हमको 2-3 आर्मर लगते हैं भाई इंचांट करने के लिए, या तो फिर बुक लगती है अगर हम इंचांटिंग टेबल से इंचांट करते तो, बुक या फिर आर्मर लगता है। पर अभी चलो अभी मैंने वुड भी कट कर लिया। और गाइस और एक बात मतलब मुझे दो आर्मर मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमको ज़रूरत है, और इसमें फिर कैल फार्म में भाई बहुत ज़्यादा बुरा कैल्प में, और आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कैल्प माने तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कमेंट में, मतलब कमेंट में कहो कि भाई यस ब्रो चाहिए। और गाइस प्लीज़ रेड हार्ट जरूर से कमेंट में स्पैम कर दो गाइस, अभी स्पैम कर दो। और अभी यहाँ पर तो हम देखो हमारे पास सिर्फ 9 एमरल्ड चाहिए, उसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज कर दें, उसको ऊपर रखते हुए बहुत सारे वुड लॉक्स कलेक्ट कर लिया हमने, सिर्फ दो दिन या तो 3 ट्री कट किया हमने, तो हमको इतने सारे मिल गए भाई। और ये कुछ अलग स्विफ्ट लॉग है जिनसे चलो स्टिक्स बनाते और रख देते अंदर। और एक बात गाइस, ये जो विलेजर्स है ये जो डायमंड आर्मर ट्रेड कर रहे हैं, तो वो उसमें सिर्फ हमको अभी हेलमेट का जरूरत है क्योंकि वो हेलमेट ट्रेड बिल्कुल नहीं कर रहे, और अभी रात हो चुके सुलह सोते भी जल्दी जल्दी जाएगा। और अपने जो घर के नीचे हमने जो बनाया था बंकर जिसमें कि अपना इंचार्मेंट टेबल सेटअप था, तो हमको भी उसको पूरा फिल करना पड़ेगा, कुछ जो हमने स्टोन ब्रिक्स लगाए थे उसको भी हटाना पड़ेगा वहाँ से, अभी हमको स्टोन ब्रिक्स की ज़रूरत है, बहुत सारा जरूरत हमको स्टोन ब्रिक्स की। चलो गाइस और एक बात गाइस, मैंने देखो यहाँ पर स्टिक्स ट्रेड कर लिया और इसे भी ट्रेड करते हैं, और जब तक मैं ट्रेड कर रहा तब तक आपको लाइक कर देना गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वॉल पे से जरूर दबा देना, क्योंकि भाई हमारे जो वीडियोज़ है भाई वो ज़्यादा बंदे देख ही नहीं रहे भाई, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कोई ज़्यादा बंदे देख ही नहीं रहे वीडियो का, प्लीज़ यार वीडियो देखो करो गाइस और शेयर जरूर करना गाइस, और वीडियो एंड तक जरूर देखो गाइस, क्योंकि भाई देखो यार एंड तक प्लीज़ यार भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है आपके लिए वीडियो की। चलो अभी यहाँ पर 6 को रख देते भी, और 41 एमरल्ड हो चुके अपने पास अभी, चलो अभी सर 6 को ऊपर रखते हैं। और गाइस मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ एक आर्मर पीस ट्रेड करने के बाद, क्योंकि भाई अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है उसका, और मैं अभी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इस वीडियो का, तो एक आर्मर पीस हम पूरा ट्रेड कर लेंगे। चलो मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ पूरा आर्मर पीस ट्रेड करने के बाद, और मैं अभी इसको ये बना रहा हूँ मतलब गोल्डन कैरेट जो ट्रेड करता है ना वो बना रहा है, एक कैरेट ट्रेड ही नहीं करता आपको डायरेक्ट प्राइस मतलब गाइस, अभी हम आपको जो अपना एक आर्मर पीस है उसको लेने के बाद आपको डायरेक्टली मिलता हूँ मैं। चलो गाइस अभी हमने बहुत सारे स्टिक्स को जो है ट्रेड कर लिया है, और भाई को ट्रेड रिसेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मैं इसी मतलब जो फार्म है उसके ऊपर बैठ गया था। और चलो अभी भाई हमारे पास 32 आर्मर आ चुका है, चलो भाई उनसे ट्रेड करते हैं। अभी सिर्फ अपना जो मैंने चेस्ट प्लेट और लैगिंग से वो मैंने ले ट्रेड कर लिया उनसे, और अभी हेलमेट जो है वो हमको क्राफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये मिले से पता नहीं हेलमेट ट्रेड ही नहीं कर रहे भाई, उनको थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं। चलो और मैंने अपने घर का जो एक आर्मर स्टैंड था उसको मैं तोड़ कर ला लिया अभी,
चलते अभी फिर से एक बार घर में, और अभी एक हेलमेट जो है उसको क्राफ्ट करते हैं और चलते हैं अभी अपने फार्म के और। चलो पहले तो हेलमेट क्राफ्ट करते हैं, 9 एम्ब्रेड मतलब डायमंड अपने पास अभी। और अगर हम ट्राई करेंगे कि बीकन बना ले, क्योंकि उनको बीकन की ज़रूरत है भी, इतनी जल्दी नहीं पर हम पहले तो नेदरराइट आर्मर कन्वर्ट करने के बाद देखो भाई बैटरी भी लो जो है भाई। चलो 6% चार्जिंग है अभी तो। और एक बात गाई, इस वीडियो में रिकॉर्ड करते करते भाई घर की लाइट चली गई थी, और भाई मतलब मुझे याद नहीं रहा था, मतलब मुझे ध्यान नहीं था कि मोबाइल की चार्जिंग भी करनी है। मैंने यहाँ पर देखा और डायरेक्टली लाइट चली गई थी, उसको ऐसे मुझे बहुत देर तक रुकना पड़ा। और तब तक मैं कोई मतलब अलग प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियोज़ का वो प्लान कर रहा था। चलो अभी चलते भी हमको जल्दी जल्दी जाना है अपने फार्म की ओर। और भाई मतलब भाई रास्ते में सोते तो मुझे पसंद नहीं है, उनको तोड़ देना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सेटिस्फाइंग होता है उसका आवाज़। चलो और एक बात गाइस, अगर आपको मतलब मैं बहुत दिन से कहता, मतलब मैंने लाइव स्ट्रीम में भी कहा था कि मैं स्पाइडरमैन का मोड आपके लिए उसका एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, स्पाइडरमैन का मोड लगा के हम खेलेंगे आपके लिए, वो एक वीडियो लाऊंगा। पर वो उस वीडियो को गाइस अभी मतलब उसको वीडियो के लिए मैंने कुछ अच्छा प्लान नहीं किया अभी हम क्या क्या करेंगे वीडियो के अंदर, तो अभी गाइस रहने दो, अभी उस वीडियो को हम कभी फिर कभी रिकॉर्ड कर लेंगे। तब तक के लिए गाइस अभी आपसे तोड़ देते इसको। चलो गाइस अपना फार्म तो बन चुका है, और गाइस ये फार्म तोड़ भी गया था 2-3 बार, मतलब नीचे से जो ग्लास थे वो मतलब क्रीपर के ब्लास्ट की वजह से फट गए थे, तो उसको तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और चलो गाइस अपने फार्म के पास आ चुका हूँ, एंजॉयमेंट तो कोई भी अच्छी नहीं है भाई इसमें, मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन 4 चाहिए, प्रोटेक्शन फोर ही चाहिए मुझे। अरे भाई मैं एनुअल में जाके इनको डिसेंजेंट कर रहा था भाई। चलो अभी और गाइस ये जो फार्म था ना, ये फार्म में हमको बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब ये एक्सपी मिलने वाली गाइस, क्योंकि भाई ये फार्म में हमको एक तो भाई जो पिगलिन से हमको उनको मतलब जोम्बीफाइड पिगलिन से उनको मार के हमको एक्सपी मिलती है, और ऊपर से भाई जो स्वॉर्ड है उसको डिसेंजेंट करके इतनी ज़्यादा एक्सपी मिलती है ना भाई, आपको क्या कहूँ मैं। चलो बताते पहले फार्म को ऑन करते भाई, ये फार्म को ऑन करना थोड़ा सा मतलब हार्ड होता है, बार बार इसके आगे जाके देखना पड़ता है। चलो अभी अभी ट्राई करेंगे कि एक ही बार में हो जाए। चलो पोर्टल तो लाइट अप हो गए, उसको ऑन करते हैं अभी, कुछ दिख नहीं रहा अभी आते हुए। तो भाई फिर से वही हो गया, देखो दोनों एक साथ चलते रहे अभी, तो दोनों डिस्पेंसर होते हैं तो अगर एक साथ चले तो भाई ये फार्म अच्छे से वर्क नहीं कर सकता, मतलब दोनों एक साथ कैसे पोर्टल और मतलब पोर्टल लाइट अप भी हो रही है, मतलब लाइट अप भी नहीं हो रही, मतलब दोनों एक ही साथ चल रहे सेम टाइम पर चलते हैं ना भाई, तो पता है बहुत बार। और देखो अभी जो कल कभी जो वाटर फ्लो है ना वो डायरेक्टली मतलब पूरा एक्टिव हो जाता है वहाँ से बाहर आ। चलो अभी हो गया पोर्टल लाइट अप, और एक बार इसको करते ऊपर, नहीं अभी फिर भी दोनों साथ चल रहे भाई, क्या करना पड़ेगा अभी इसको, काम करते साइड से इसको उसको ऑफ करके ऑन करते। चलो हो रहा है चलो अभी चालू हो जाएंगे। यार मुंह के सामने ग्लास लगा दिया मैंने, क्या हुआ। चलो भाई फाइनली बहुत सारे पिगलिंस आ रहे हैं, और चलो भाई पोर्टल का मतलब लाइट अप होते दिख नहीं रही पर आ रहे भाई बहुत सारे पिगलिंस, थोड़ा गेम लैग कर रहा है पर आ रहे हैं। चलो मेरी डेस्क की जो स्टोरेज है पूरी आधी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, उस वजह से गेम लैग कर रहा है मैं। और चलो अभी वॉल्यूम पूरा उसको लो करते भाई, नहीं तो इनका आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है। और चलो चलते भी हमको गाइस, मैं काम करता हूँ मेरा आदमी को इंचार्ज करता हूँ पहले, और पूरा इंचार्ज करके आपको मिलता हूँ, क्योंकि इंजर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। और उसे मैं देखो एक मिनट मुझे कुछ मार रहा है कौन भाई, मैं ऑलमोस्ट मर गया था भाई, मेरे बच्चे भी इतने छोटे होते भाई दिखते में। और गाइस आपको मैं मिलता हूँ पूरा आर्मर इंचार्ज करने के बाद। चलो तो फाइनली गाइस अभी हमने ऑलमोस्ट यहाँ सारा गोल्ड ले लिया है, और मैं अपने आर्मर को भी इंचार्ज कर लिया, आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से। तो एक मिनट, और देखो यहाँ पर गाइस ये जो चेस्ट वगैरह पूरे ऊपर तक फुल हो गए थे भाई, और इसमें से मुझे ये वाला ब्लॉक मिला जो अपना डेथ सेट का ब्लॉक है, ऊपर वाला ब्लॉक जो टूट गया था लास्ट वीडियो में, और इसमें गोल्ड पड़ा है, इसको लेते हैं भाई। अपने पास बहुत ज़्यादा गोल्ड हो चुका है अभी, और मैंने आपको जो वीडियो का फर्स्ट में जो बात कही थी वो मतलब वो बात अभी हम पूरी भी करेंगे। चलो ये वाला ब्लॉक पहले लगाते हैं यहाँ पर, पता नहीं ये ब्लॉक कैसे ऊपर में आ गया और नीचे कैसे चला गया, पता नहीं यार चलते भी यहाँ पर। अरे हो गाइस ये जो आर्मर है हमने इसको भी रखा है, चेस्ट प्लेट को हमने मतलब आर्मर को कंबाइन करके
पहन ले अभी चलते को, फिर कुछ बना के एक कुछ बन गए भाई, सारे बन गए और 47 ब्लॉक बन गए भाई, बहुत सारा ब्लॉक। और गाइस अभी हम ट्राई करेंगे कि बीकन को जितने ब्लॉक लगते हैं उतने ब्लॉक बनाएं, और हम इतने जल्दी तो नहीं करेंगे बीकन, मतलब बीकन तो क्योंकि भाई उसके लिए विदर होता है ना, वो विदर को स्पॉन करना और उसके साथ फाइट करना भाई इतना ईजी नहीं है भाई। हमको भी लाइव स्ट्रीम में या फिर लाइव स्ट्रीम में नहीं, हम कोई मतलब मैं मेरे कोई फ्रेंड्स को सारे फ्रेंड्स को एक बार बुला के हम जब फाइट करेंगे ना मतलब विदर के साथ, तो तब आपको मैं वीडियो में दिखाऊँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब ज़्यादा बंदे खेल नहीं पाते हम यार, कभी बहुत ज़्यादा लैग होता है, जो मेरा दूसरा भाई है छोटा उसके मोबाइल में, और हो गया ब्लास्ट भाई। आपको मैंने कहा था भाई ब्लास्ट होता है, ये उसका एक एग्जाम्पल है, और इस साइड को ब्लास्ट होता है, यहाँ पर मैंने ये डर्ट लगा लिया, ये नीचे से यहाँ पर ब्लास्ट होता है, वही से जगह मैंने उसी जगह से मैंने उटैक लगा लिया। अरे क्रीपर, मतलब क्रीपर नहीं स्केलेटन को देखो भाई, चलो यार चलते भी घर पे, और हमको भी ग्लासेस लाने हैं भाई, कुछ स्मेल्ट वगैरह कर देता हूँ। चलो भाई, और गाइस और एक बात, अगर आपने अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आएगी, और गाइस आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करता वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो यार। इस वीडियो को बनाने में मुझे 2 घंटे लगे, मतलब अगर आप वो वाले टाइम काउंट नहीं करते जब लाइट चली गई थी, लाइट जाने के बाद मतलब 3 घंटे लगे लाइट को आने में, और क्या बताओ यार को बहुत ज़्यादा परेशानी थी लाइट, और मतलब लाइट जब चली गई थी तो। और गाइस मैं आपसे ध्यान रखूँ कि जो अपने मोबाइल का चार्ज नहीं है उसको फिर आप खोल रखो। चलो भाई अभी मैं वीडियो को ऑलमोस्ट रात के 12 बजे वॉइस ओवर कर रहा हूँ भाई, चलो भी चलते हैं यहाँ से, और आ गए भाई अभी ऑलमोस्ट घर पे, घर के पास आ गए भाई, बहुत ज़्यादा पास जा रहे। और चलो, और एक बात गाइस, हम ऐसे ऐसे फार्म बनाने वाले इस वर्ल्ड में जो कि आपने कभी देखे भी नहीं, आपको अगर कभी बनाना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं यार, वैसे भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ला के देता हूँ, और फिर ऐसे कोई डर रहते। और एक बात गाइस मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि अब अगर आप चाहते हो कि मैं एक मिनट, इसमें बहुत कम ग्लास है, एक मिनट ऊपर से कैल्प ले लेते हैं, हमको इनको स्मेल्ट भी करना है ना। चलो नगर के ऊपर से ब्लॉक, भाई मैंने कहा था ऑलमोस्ट टैक है, पर मतलब चलो यार ऑलमोस्ट टैक है, कह सकते हो ऑलमोस्ट टैक। चलो एक ग्रुप के ऊपर ऐसे रख दिया, और ग्लासेस यार सचमुच मेरे पास ग्लासेस बिल्कुल नहीं है, कोल उठाते भी यहाँ से डायरेक्टली, और केल पीस में पड़ी है भाई, मैं यहाँ तक स्मेल्ट नहीं किया उसको। और भाई मैं एक बात आपको कहना चाहता था कि एक मिनट यार इसमें से भाई क्या हो रहा है, चलो 47 ग्लास हम ऐसे क्राफ्ट करें, 47 में 4 ऐड करें तो 51 हो जाएगा, 51 नहीं होते हैं। चलो कभी ऊपर रख के थोड़ी सैंड वगैरह सीमेंट करते इसमें। चलो भाई साहब ये जो साइन बोर्ड जो है ना, मैं इनको इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई इनको स्मेल्ट कर करके भाई मैं भाई पक गए अभी भाई, इतनी जल्दी ख़त्म हो जाते ना भाई, क्या होता यार आपको, मैं घर को पता कि फूड मतलब सिर्फ फूड वहाँ से हटाता हूँ मतलब कलेक्ट करता हूँ, तो तब उतने टाइम में भाई ये साइन बोर्ड ख़त्म हो जाते। चलो यार अभी आप अभी फूड को रखते ऊपर, साइन बोर्ड को ऊपर रखते हैं, वो अपना सुबह 64 और 32 बजे ना। चलो ग्लासेस भी आ रहे हैं, और एक बात मैं आपको कहना चाहता था कि भाई अभी तो मतलब पूरी हुई नहीं मेरी, तो वो ये बात है गाइस कि मैं अगर आप मतलब थिंक तो मेरे कुछ फार्म्स के वीडियो की वजह से मेरा चैनल डाउन चल रहा है, क्योंकि वो फार्म के वीडियो अलग कैटेगरी में आते हैं, थिंक तो ट्यूटोरियल वगैरह में, तो उस वजह से गाइस मैं एक अलग चैनल ओपन कर रहा हूँ, तो अगर आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, अब मतलब मैं अब अभी जो ओपन करूँगा उसको मैं अभी संडे में संडे को मैं उस चैनल का नाम वगैरह रिवील करूँगा, उसकी जो भी चैनल के लिंक वगैरह मैं लाइव स्ट्रीम में शेयर कर दूँगा आपको, और उस चैनल पे मैं इसके बाद हम जो भी सर्वाइवल सीरीज में फार्म बनेंगे तो मैं उसी के ऊपर अपलोड करूँगा। और एक बात गाइस, मैं एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँगा और एक उस चैनल पर, इसी डेली अपलोड करूँगा वीडियो गाइस। चलो, और कभी हो सकता है कभी मैं एक चैनल पर ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ, तो उसके लिए अगर आप मतलब उसके लिए सॉरी गाइस। ओ चलो, और एक बात गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना फिलहाल तो, और लाइक ज़रूर कर देना, और मैंने कुछ प्लान किया था उस चैनल के बारे में जो जो कि होने वाला है, हम उसी चैनल पे लाइव स्ट्रीम भी करेंगे,
और वो सिर्फ लाइव स्ट्रीम और फार्म्स के लिए होगा चैनल, बाकी सब कुछ अपने भी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करेंगे। तो भी यहाँ पर हमने इसको कर लिया है, फैला दे सब सामान, चार बच्चे इनको फैलाते हैं चलो। और जो पहले जो चार है ना, तो हम इनमें ये रखते हैं, दो दो रखते ब्लॉक्स, ये बहुत देर तक स्मेल करते हैं भाई। खास हम ब्लॉक ऑफ कोल स्मेल कर पाते, ब्लॉक ऑफ कोल अब वो सपना रह गया भाई अभी तो। यहाँ पर दो बच रहे हैं ना, चलो इसमें दो रख देते भी, चलो भी फाइनली। और दो यहाँ पर स्मेल्ट हो रहे हैं, और आप भी रहे भाई जल्दी जल्दी, तो चलो अच्छा है। और मैं अभी मतलब अपना जो मेगा प्रोजेक्ट है ना, तो उसके ऊपर मैं काम करना अभी स्टार्ट तो नहीं किया, अभी मैंने स्टार्ट कर दिया भाई बहुत देर से, पर मैंने अभी तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और गाइस चलो भी सारे ग्लास सीमेंट हो चुके, और यहाँ पर स्कैल्प को रख देते थे 64 स्कैल्प को, तो अभी सीमेंट होता रहेगा। चलो भी यहाँ से कुछ ले लेते ब्लॉक्स वगैरह, ग्लास ब्लॉक बहुत सारे इसमें, चलो 51 हो चुके अभी। और यहाँ पर भी आ रहे धीरे धीरे, चलो अभी खूब रखते हैं, चलो एक मिनट कुछ और ज़्यादा ब्लॉक ले देना, एक स्टैक ब्लॉक से भाई। मुझे जितना ज़्यादा तक पता है, मैंने जब मेरा घर का बाहर वाला जो एरिया फिल किया था ना, उसमें एक स्टैक ब्लॉक से कुछ भी फिल नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं भाई। सोचे यार, समझा करो भाई, मैं एक चेस्ट भर मतलब डबल चेस्ट फुल करके लाता था, तब भी भाई मेरा एरिया फुल नहीं होता था भाई, फिल पूरा फुल फिल नहीं होता था भाई, क्या है। चलो जो बाहर वाले एरिया ना, सबसे ज़्यादा मैंने तो इसको बनाने में मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने में लगे। और भाई चलो चलते यहाँ से एक बार ऊपर, मुझे कुछ कैरेट वगैरह भी चाहिए थे, इसमें कैरेट नहीं है। एक मिनट गाइस, फॉर्चून से होता है क्या? फॉर्चून 3, अब मैं फॉर्चून 3 से तोड़ के देता हूँ इनको। कैरेट ग्रो भी नहीं कर रहा है बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, पर अपने फूड के लिए मतलब अपना पूरा फूड सोर्स के लिए इतना ही इनफ है। और मैं भी इसमें इस वर्ल्ड में वेजिटेरियन हूँ, ज़्यादा कुछ दूसरा खाना नहीं मुझे, दूसरा कुछ भी खाना हो तो। चलो यार, अब मैंने गोल्ड तो लाया, अभी हम प्रीमियम फूड पाएंगे, प्रीमियम फूड ऐसे गोल्ड को उठाते भाई, नगर को भी उठाते, क्योंकि इसी से बनते हैं भाई गोल्ड कैरेट्स। 54 अभी हमने ले लिए, और इसको भी नगर में कन्वर्ट करते हैं। चलो 17 तो हो रहे हैं, अब क्राफ्ट कर लेते हैं इनको, और मेरे को फिर से इनको इंगट में कन्वर्ट करके ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। कैसे करें हो नहीं रहा, एक मिनट अभी इनको हाथों से करना पड़ेगा यार। चलो गाइस, हम इनको अभी कन्वर्ट करते हैं, और चलो अभी हो गया, फिर से कट करके ऑन करते हैं। चलो भाई आधे आधे रखते इनको, इसको सेंटर में चलो भाई। यह मुझे वो नेदरराइट ऐसे जो बनाते हैं ना, उसकी रेसिपी होगी भाई ये। चलो भाई ब्लॉक तो बन रहे भी, सारे ब्लॉक बन रहे, और इनको ऊपर रखते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से अरेंज करते हैं यार। चलो ब्लॉक इंगट और नगेट हो गए। और गाइस, हम एक बिगेस्ट चेस्ट बनाने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। ये मैंने आपको मतलब पहले कहना चाहता था, पर अभी कह रहा हूँ कुछ चीज़ें को अभी याद नहीं आता मुझे, याद नहीं था। ओ भाई, अभी इनको फिल भी करना है यार, ये वाले एरिया का हम एक ब्लॉक को भी नहीं देते मतलब छोड़ सकते भाई, सारे ब्लॉक को हमको फिल करना पड़ेगा। और भाई आप देख सकते हो भाई, एक क्रीपर का जो मतलब एक क्रीपर ने जो एयर ब्लास्ट किया था, उसको फिल करने में अपने ऑलमोस्ट एक स्टैक जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, ख़त्म भाई पूरा गया। तो चलो अभी जल्दी जाना है यार, इस एरिया को फिल कर देते हैं भाई, अब फिल कर ही रहे तो भाई इसको फिल करते हैं। और एक एरिया यहाँ पर भी, ये मेरे छोटे भाई ने माइंड किया था, मैंने कहा था उसको भाई हमको रास्ता बनाना है विलेजर के लिए, भाई उसने अलग रास्ता बना दिया था, जो कि हमारे ट्रैक जो रेल ट्रैक था वहाँ से आ भी नहीं रहा था। चलो हो गया, ओ
ओ भाई साहब यार, हमको सीट मिल गया पर हमको सीट की कुछ ज़रूरत नहीं भी। मतलब भाई ये ब्लॉक मतलब जो होता है ना ग्रास, इनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई। चलो भाई चलते, भाई साहब भाई बहुत ज़्यादा पास है यार भाई, मतलब मैं क्यों कह रहा था, पर हाँ यार चलो अभी चलते हैं, हमको जल्दी जाना है अभी यहाँ पर, और एरिया को ठीक से फिल करके भाई पूरा उसको ग्लास से कवर भी करना है भाई। अभी चलो भाई ऑलमोस्ट अभी सारा फिल हो चुका है, सुबह करते फिल। ओ भाई ये तो भाई मेरे मुंह के सामने आ रहे हैं, और गाइस मैं आपको डायरेक्ट मिलता हूँ पूरा इसको फिल करने के बाद, क्योंकि भाई इसको फिल करने में मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लगा है भाई। आप मतलब मानोगे नहीं भाई, ये पानी का जब फ्लो होता है ना उसको ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। चलो अभी और आपको मैं मतलब मिलता हूँ पूरा फिल करने के बाद इसको, मतलब ग्लास ब्लॉक को इसको रिप्लेस कर दो इससे। चलो अभी चलो गाइस अभी ऑलमोस्ट पूरा फिल हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या सब कुछ फिल हो चुका है, और अभी कुछ उनको अभी ट्रैपडोर वगैरह चाहिए तो उसके लिए हम नीचे आए थे, पर मुझे तो पता भाई नीचे ट्रैपडोर वगैरह नहीं है बिल्कुल भी। चलते भी यहाँ से ऊपर, हमको अभी ऊपर जाना भी है। चलो इसको दौड़ते हैं। ओ भाई साहब उनको कुछ लैडर वगैरह ट्रैपडोर वगैरह चाहिए तो उसको लेके आते हैं, और एक्स को नीचे रखते भी, मैंने शवल को नीचे रखा था क्योंकि भाई जो ग्रास ब्लॉक है मेरे कम पड़ गए थे भाई, मुझे कुछ माइंड भी करने पड़े आसपास से। चलो भाई अभी यहाँ पर देखो, ये मैंने मान किया था इसको एक ही ब्लॉक चाहिए था मुझे सिर्फ बटन बनाने के लिए। चलो यार मुझे ऐसी ट्री पसंद नहीं है भाई, इनके भाई लॉक किधर भी होते हैं भाई यार, इनका तोड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यार। आपको अगर पसंद आए भाई ये ट्री तो भाई प्लीज़ कमेंट करना, और अगर नहीं पसंद तो भी कमेंट करना। ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, आ गया चलो। ओ भाई साहब आ गए, और इसको दौड़ते भाई, देखो भाई एक एक लॉक तोड़ने के लिए किस किस जगह पर जाना पड़ रहा है, गिर भी गया भाई नीचे तो। चलो यार कदम, एक मिनट सैपलिंग को प्लेस करते हैं ना भाई, हमको फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो। एक मिनट लॉक वगैरह पड़ा है यहाँ पर, एक मिनट यार मुझे और सैपलिंग दिखे उसको भी लेते। चलो हम भाई मैं वही सोच रहा था भाई क्या देखा मुझे पीछे, और लामा वगैरह मतलब मानने का मतलब उनको मानने का मन कर रहा था, पर सोचा जाने दो भाई, आपको पता नहीं मैंने स्वीट में कितने लामा वगैरह को मारा है यार, बहुत ज़्यादा मैंने मारा उनको भाई। मैं एक बार क्या करता कि बहुत सारे पिगमेंट्स आ गए तो एक बार ऊपर आता था थोड़ी राहत के साथ, लेके भाई देखता था लामा वगैरह और फिर जाता था भाई उनको मारने के लिए, और उनको मार के भाई खेल ख़त्म। चलो लैडर तो बन गई, लैडर 6 लैडर थी हमको, बिल्कुल नहीं एक ही लैडर थी हमको तो थे आप भाई, एक लैडर के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है, एक लैडर और एक ट्रैपडोर के लिए। और एक बात भाई, अपने आर्मर पे जो है ना इंचांटमेंट बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैक्स आर्मर जो होता है ना, मैक्स आर्मर उसमें होती है उससे इंचांटमेंट, सिर्फ वही इसमें कुछ कुछ इंचांटमेंट है जो कि मिसिंग है, जैसे थ्रॉन्स 3 अमर से थ्रॉन्स 2 लगे अपने चेस्ट प्लेट में। चलो अभी असल आपको मैं अभी दिखाता हूँ यहाँ से, अभी आपको सारे इंचांटमेंट दिखाता हूँ मैं कौन सी कौन सी इंचांटमेंट है। देखो हेलमेट में तो भाई वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंचांटमेंट लगे, लेगिंग्स वगैरह और चेस्ट प्लेट बूट्स में सब अच्छी इंचांटमेंट लगे, फेदर फॉलिंग 4 भी लगे भाई, और देखो ये जो है ना इसके हेलमेट में भी कुछ अच्छी इंचांटमेंट लगे, प्रोटेक्शन 4 लगे इसको उड़ाते भी लगते फिर से, और देखो लेगिंग्स में भी अच्छी इंचांटमेंट है, और बूट को हटाते हैं और लेगिंग्स में प्रोटेक्शन 4 सब में प्रोटेक्शन 4 है। अभी सिर्फ यहाँ पर चेस्ट प्लेट नहीं है, चेस्ट प्लेट में ला लूँगा भाई ऑफलाइन थोड़ा ग्राइंड करके भाई, उसमें प्रोटेक्शन 4 में इंचमेंट लगा लूँगा, उसी को ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो चलो अभी चलते यहाँ से ऊपर, और चलो और गाइस फाइनली अपना वीडियो भी एंड हो चुका है, और गाइस आज के स्टूडियो में हम इतना देखते हैं भाई, अभी मिलते गाइस नेक्स्ट स्टूडियो में, और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से करना, और डिस्क्रिप्शन में चेक करना उसमें डिस्काउंट सर्विस भी लिंक है, प्लीज़ उसको ज्वाइन भी कर लेना। और चलो गाइस अभी मिलते हैं गाइस हम अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लाइक करना, बाय।